देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। अभी किसान आंदोलन की जो गर्मी या खौफ छाया हुआ है उसकी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यह अकाट्य सत्य है कि उन्हें सोचना चाहिए कि किसान क्या केवल चुनावी सफलता की मचान और या विपक्ष का बेवजह सत्ता का अभियान, इसको समझने की आवश्यकता है। आज हालात ये हैं कि चुनाव किसान केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम रह गया है। सत्ता टिकाए रखने के लिए सत्ता पक्ष के लिए भी किसान जरूरी है और सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल करने के लिए विपक्ष के लिए भी किसान अभियान। लेकिन किसान को मत कहो भगवान, वो भी है एक इंसान, वो सोचने की आवश्यकता है। और उसके लिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि विगत 14 वर्षों में किसानों को लेकर जितने जन कल्याणकारी कार्यक्रम वर्तमान सरकार ने किए हैं वे आजादी के विगत 50 वर्षों में नहीं हुए। किसानों के प्रत्येक विषय को लेकर, सिंचाई का विषय हो, खाद बीज का विषय हो, फसल बीमा का विषय हो, लोन का विषय हो, कटाई का विषय हो, भावांतर का विषय हो, दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं किसान के हित में। अब सत्ता पक्ष को यह समझने की आवश्यकता है कि वह कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की परिणाममूलक उपलब्धि क्या है, विषय इस बात का है। इसलिए उसमें खामियां निकालना, उसकी चर्चा करना, सामाजिक संगठन आके किसान को न्याय दिलाए, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन विपक्ष क्यों बेवजह एक जिस तरह लोमड़ी शिकार करती है ना, तो उसका ये रहता है स्वयं तो शिकार नहीं करना, लेकिन कोई शिकार हो रहा है तो वो शिकार करने वाला शिकारी कब हटे और मैं उसको खींच के ले जाऊं, तो ये विपक्ष की भूमिका नजर आ रही है। विपक्ष सिर्फ ये ताक में लगे बैठा है कि कैसे ये आंदोलन उग्रो, कैसे इसमें अराजकता बढ़े और मैं सत्ता की चाबी किसानों के माध्यम से हासिल करूं। क्योंकि विपक्ष को उनकी आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन नैतिकता इस बात की है कि स्वयं की, जिसको कहते हैं ना कि स्वयं के अंदर झांक कर देखे कि उसने किसानों के लिए क्या किया। 2003 का विषय सबको याद है, तब बिजली, सड़क, पानी, इनकी दुर्दशा, फसलों के भाव की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, सिंचाई की स्थिति, क्या किया? वर्तमान सरकार की खामियों को या व्यवस्था की खामियों को देखते हुए किसानों के साथ जमीन पर परिश्रम कर उनकी समस्याओं का समाधान करना विपक्ष का नैतिक दायित्व है, ना कि किसानों को उग्र आक्रोशित कर, अराजक कर और एक बेवजह का पूरे समाज में व्यवधान पैदा करके सत्ता का, जिसको कहना चाहिए कि सत्ता की कस्तूरी या सत्ता की प्राप्ति की मद में किसानों की में हिंसा भड़काना, यह कोई ठीक नैतिक कर्तव्य नहीं। आज भी समय है सरकार या सत्ता पक्ष को चाहिए अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के परिणाम मूलक क्रियान्वयन पर कारणों की करतूतों को उजागर करें, दंडित करें, किसानों के कष्टों को दूर करें। वह सब ये करेंगे तो विपक्ष की जिस प्रकार की शिकार करने की प्रवृत्ति, सत्ता को प्राप्त करने के लोमड़ी वृत्ति है, उससे किसान बच पाएंगे और समाज भी अराजकता से बचेगा, सुशासन भी होगा, शांति भी होगी। यही इसका श्रेष्ठ निदान है। किसान आंदोलन उग्रता में ना आए, बहकावे में ना आए, किसान आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन बना रहे, इस दृष्टि से कानून व्यवस्था पर भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।